जा रही थी मैं। आई नो कुछ कहानियां होती हैं अच्छी, हैप्पी एंडिंग टाइप्स, जो दिल को सुकून दे देती है। शायद मेरी और ऋषि की कहानी वैसी नहीं है। हमारा प्यार पागलपन है, शिद्दत है, जो पूरी दुनिया को भुला दे, सबको अपने पैरों पर रखे, जो सबके लिए खुद को मिटा दे। और यहाँ मैं यहाँ खुद को मिटाने जा रही थी। नहीं, मैं किसी और के लिए खुद को नहीं मिटा सकती। अगर तुम्हें उस लक्ष्मी के साथ रहना है तो रहो। चौधरी मैं तुम्हें परमिशन कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, अटेंशन भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि वैसे भी जो प्यार मांगा हुआ हो वो प्यार थोड़ी होता है, वो तो भीख होती है ना। और मैं खुद को किसी के लिए इतना नहीं गिरा सकती, नॉट इवन फॉर यू ऋषि। सॉरी, शायद मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, शायद तुम्हारे लिए वो लक्ष्मी ही बनी है ऋषि। शहने दो तुम्हारा हाथ उसके हाथ में। गिल्टी फील कर रहा हूं, बहुत गलत बिहेव किया मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। फर्स्ट टाइम तो बहुत ब्रेव हो लक्ष्मी, किसी से भी नहीं डरती, लेकिन हर बार तुम मेरे लिए ऐसा कर देती हो। मैं इतना ब्रेव नहीं हूं लक्ष्मी, और कितना एहसान करोगी तुम मुझ पर अगर तुम्हें आज कुछ हो जाएगा ना लक्ष्मी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओके, बट आई प्रॉमिस यू लक्ष्मी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी कभी परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो, अपनी आंखें खोल लो लक्ष्मी, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वो फॉलो करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। बस एक बार आंखें खोल लो अपनी लक्ष्मी, सिर्फ एक बार। लक्ष्मी तुम ठीक, लक्ष्मी तुम ठीक हो ना? कुछ
कुछ और था, मैं कुछ और ही था, तुमने ही मुझको निखारा है, अब जो भी मुझ में प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल ना तेरा साथ मिले हाथों से ना ये हाथ मिले, अलविदा मुझे तू कह जाए, ये प्यार अधूरा रह जाए, कुछ कौन है लक्ष्मी? मैं भी ठीक हूँ। गॉड तुम ठीक हो लक्ष्मी, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तुम मेरा डायलॉग कॉपी कर रही हो? खुद का ओरिजिनल नहीं है क्या तुम्हारे पास कोई? इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। मैं भी आता क्या कर रही हो तुम? वो पानी पीना था। अरे तो तुम, मैं इनविजिबल हो गया हूँ क्या? मुझे नहीं बता सकती। आओ बैठे उधर। छोड़ो छोड़ो, कम। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे, मैं मेहमान बन गए आपकी तारीफ में, क्या कहें आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। दूर तो कर दिया ऋषि को, आई जस्ट होप इतना दूर ना किया कि वो लक्ष्मी के पास चला जाए। अच्छा ही है मॉम, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि मेरे आसपास भी रह सके। He just doesn't deserve me. पर मुझसे तो वेट नहीं हो रही है, मैं तो पीने लगी हूँ चाय। दादी ओफो, कुकीज, तुझे पता है ना मुझे शुगर है, कुकी खिला रही है मुझे। कोई बात नहीं, आप एक ले लो। अच्छा दादी। हाँ तो तेरा कख ना जावे। जैसे कि दुआ को अल्फाज़
कुकीज। मैं भी आता। क्या बात है, भाई ऋषि कहाँ जा रहे हैं, बैठिए। कल दिवाली है, फ्रेंड्स आएंगे हमारे शाम को, तो डेकोरेटर्स को बुला लिया है। लक्ष्मी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पर मम्मी जी मुझे करना है, मतलब दिवाली मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर सजाना, रंगोली बनाना, लाइट्स, और मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। अरे पर इन्हें तुम्हारे बाबूजी को बहुत टेंशन हो जाएगी अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगी, तुम रेस्ट कर लो। नहीं, अगर लक्ष्मी ठीक है और वो सब कुछ करना चाहती है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर करो जो तुम्हारा दिल करे। कर लेगी ना पुत्र? हाँ हाँ दादी। बेटा ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी। अरे सॉरी क्या, ये क्या कर दिया तुमने ऋषि? हाँ, कब से बेचारे मेहनत करी है, कितना वक्त लग गया इसे बनाने में, तुमने एक सेकंड में खराब कर दिया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। क्या नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं क्या? अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप प्यार से भी तो बोल सकते थे ऋषि भाई, अगर रंगोली का डिजाइन पसंद नहीं आता तो। पसंद नहीं, नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया, नहीं पसंद, सॉरी मैंने तो बस मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन I'm really sorry, लक्ष्मी वो दिखा नहीं मुझे, मैं फोन पे काम कर रहा था। सॉरी क्या, बस हो गया, सॉरी बोल दिया, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हें ये सब बनानी पड़ेगी, दोबारा पूरा ठीक करना पड़ेगा। नहीं, हाँ। नहीं बाबूजी, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी दोबारा, इनको कहाँ आती होगी रंगोली बनाना। लक्ष्मी तुमसे सीख लेगा ना। डैड आप क्या बोल रहे हो, क्या सीख लो उससे, सच में मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, और तुमसे आजकल की लड़की ऐसी हो, अपने पति को सर पे चढ़ा के रखती है, छूट दे के रखी है, हवा में उड़ते हैं तुम्हारे पति, बांध के रखना चाहिए इनको। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना? हाँ ज्यादा हो रहा है। देखो मैं तुमको इसलिए डांट रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को कंट्रोल में रखो। हाँ डांट दो उसे। हाँ नीले मामी से 10% रखोगे तो भी चलेगा। हाँ है ना? हाँ 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 सीखो नीलम से, ताकि ये हमेशा कंट्रोल में रहे तुम्हारे। ये डांट रहे हैं आप इसे? डांट बिल्कुल वैसी डांटे जैसे आप मुझे डांटते हैं, या फिर मुझे वैसे डांटा कीजिए जैसे आप अभी लक्ष्मी को डांट रहे हैं। लक्ष्मी आप तुम जानती हो जब मुझे डांटते हैं ना, इट्स लाइक वॉल्केनो फट जाते हैं। तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करना समझे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ही से बनाओगे। नहीं नहीं बाबूजी मैं ठीक कर लूंगी इसे। लक्ष्मी अब तुम ज्यादा अपने पति की साइड मत लो। हाँ। मैं पता नहीं गुस्सा कैसा इनका, अभी पता ना अभी फटेगा तुम्हारे पे वॉल कैनो। चल चुप, बना रहा हूँ मैं ठीक कर देता हूँ। अब मैं बनाओ, मैं वहां बैठ देख रहा हूँ, वॉचिंग यू। हाँ जी यस, चलो जो इन्होंने बोला।
अरे बस थोड़ी सी और। आंटी प्लीज कम। मैं मलिष्का की मॉम। आप मलिष्का की? इट्स ओके प्लीज। नमस्ते आंटी जी, मैं लक्ष्मी। मलिष्का मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब अब मेरी भी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। बहुत अच्छी लड़की है मलिष्का, और अब समझ आ रहा है क्यों। किरण, मैं मिलके आती हूँ, रूम में चलकर बात करते हैं। हाँ। नमस्ते जी। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। नमस्ते। 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 अब शालू बनी नहीं आए? वो आ चुकी हैं, वो लक्ष्मी से मिलने गई। हाँ, हमारा ऑटो स्लो था ना, और इतना सारा ट्रैफिक। कार पहले कार से आने का सोच रहे थे, लेकिन क्या है ना, कार की वेटिंग बहुत दिखा रहे थे और खाली पीली टाइम पास हो जाता, इसलिए फिर हम ऑटो से आ गए। हमें आने में देर तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, बस अब थोड़ी देर में पूजा होगी और फिर शगुन के लिए पटाखे जलाएंगे। अब सिर्फ शगुन के लिए। अब मैं सबसे मिलके आती हूँ, है ना? हाँ बेटा। शाबाश, आज दिखा दे कि तुम मेरी बेटी है। आते ही करते वार धुआंधार, और जीत ले आयुष को और मेरे लिए इस घर को। हाय, हैप्पी दिवाली। हाय, मैं आ गई। हाय, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। अब इधर से भी सेम टू यू। ये शालू बाने नहीं आए? आए ना। आए हैं? हाँ, उनका घर छोड़ के थोड़ी आएंगे हम। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी खड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे सीने से तेरे सर को लगा के, सुनती मैं रहूँ नाम अपना सीने से तेरे सर को लगा के।
लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस राणा तेरे नाल बेजुरी है। राणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। कान के पीछे लगा लेना, नजर नहीं लगेगी। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खुला दे चन दिख जावे, अखां च भी तन राता सरिया, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही उड़े ते प्यार ही। लक्ष्मी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। पंडित जी। लक्ष्मी जी, वो पूजा की सामग्री। हाँ सब यही है, मैं अभी देती हूँ। क्या लगता है पार्टनर, क्या होगा आगे? इतना होगा ये भी सोचा नहीं था। आगे का क्या पता। ये बात भी है। पर एक बात है, इस बार की दिवाली होगी खास। क्यों पूछ? क्यों? क्योंकि ऋषि के दिल में चलेगा लक्ष्मी नाम का दिया। दिया ऑलरेडी जल चुका है मामा। हाँ? रोशनी देखी नहीं अभी भी आपने? बिल्कुल, हो गया है प्यार ऋषि को। पर ऋषि को कैसे पता चलेगा खुद को कि उसे प्यार हो गया है? पता चल गया है, देखा नहीं क्या अभी उसकी आंखों में? चल गया उसको। बस ऐसे आपस में जफ्फियां पाके ना सुखी सुखी दिवाली मना लेना। गीली कैसे होती है? खोतिया, मैंने ना तुम्हारी बातें सुन ली है। हाँ? हाँ, जाके पता करो कि ऋषि को लक्ष्मी से प्यार हो गया है, और ये भी पता करो कि ऋषि को पता है कि उसे प्यार हो गया है। ओके। और जो ये खबर मुझे सबसे पहले लाके देगा ना, उसे मैं खास तोहफा दूंगी। ऐसी बात है? मामा, भांजे, गेम ऑन, गेम ऑन, लेट्स गो। Let's go. सब लोग आ जाइए, आरती का समय हो गया है। गेम पोस्टपोन। पोस्टपोन। चलो। मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। भाभी जी, हुआ नए दिए रखे, तेल डालने? हाँ हाँ डाल दीजिए। थोड़ा इकरार हुआ तुम।
सुदीप भैया वो कैंडल भी ले। सॉरी तुम हमें इसी घर में रहता हूँ ना, इनफैक्ट तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ एक ही रूम में, रिमेम्बर? वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम अचानक से सामने आ गए। अच्छा वैसे तुम आरती के लिए नीचे क्यों नहीं आए? आया तो था। आरती से पहले जब मैंने बुलाया था तब क्यों मना किया? ओ अच्छा, वो लक्ष्मी क्या है ना, मैं पूजा करता नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं, पूजा पाठ में बिलीव करता हूँ, बस कभी किया नहीं तो इसलिए नहीं आया। तो फिर आए क्यों? बोलो क्यों आए? तुम्हारा फेस देख के उतर गया था ना जब मैंने मना किया, इसलिए। नहीं तो ठीक ही था। ठीक था सच में। झूठ में पर थोड़ा ही उतरा था। ये काजल फिर से? तुम्हें लगाया नहीं था ना? लेकिन क्यों लगाना है? इससे तुम्हें नजर नहीं लगेगी और नजर लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। लेकिन मुझे नजर क्यों लगेगी? क्योंकि तुम आज अच्छी लग रही हो। अच्छे तो सभी लग रहे हैं लेकिन तुम सबसे अच्छी लग रही हो, सबसे ज्यादा। तुम अच्छी लग रही हो। अरे नहीं नहीं, अच्छे तो सभी लग रहे हैं। नहीं तुम सबसे अच्छी लग रही हो। सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो है ना भाभी? अरे कहाँ जा रही हो भाभी? परेशान कर रहे हो, चालू रखो, चलो भाई निकलो निकलो। तुम्हें क्या हो गया? नहीं वो बस शर्म आ रही है। हाँ मैं क्यों शर्मा रहा हूँ? तो क्या हो गया? हो सकता है कि तुम शर्मीले टाइप के हो। शर्मीला मैं? नो नो वेज, आई एम अ कूल डूड। कूल डूड। वैसे तुम्हारे पंजाब में कोई था मेरे जैसा कूल डूड? हाँ था। कौन? अरे क्या बताओ मैं तुम्हें उसके बारे में। तुम्हें पता है इतना कमाल का था वो, 6 फीट लंबा, ये बॉडी शॉडी, मतलब जो देखता था ना नजर ही नहीं हटाता था। पंजाब में ना सब उसे गबरू बुलाते थे। अच्छा वो तुम्हें अच्छा लगता था? अच्छा लगता था, बहुत प्यार करती थी मैं उससे, इतना अच्छा लगता था। इतना ही अच्छा लगता था तो फिर से शादी क्यों नहीं कर ली तुमने? मेरे बाऊजी थे वो। बाऊजी थे? रियली नाइस, वेरी नाइस। तुम्हें क्या लगा? मैंने मुझे कुछ नहीं, मैंने सोचा कि मैं सोचा तुम्हारी जो दुनिया है वो तुम्हारे बाऊजी तक ही सीमित है या फिर उनके अलावा भी तुम्हें कोई अच्छा लगता है? तुम्हारे बाबूजी अच्छे लगते हैं? नहीं आई मीन हम
सबके बाबूजी के अलावा कोई है ऐसा जो तुम्हें अच्छा लगता है? तुम वो दिए मैं एक प्रसाद। हाय। अच्छा है ना? दिस इज सो गुड लक्ष्मी, ये तुमने बनाया है? हाँ। आई जस्ट लव दिस। क्या बोलते हैं इसको? काजू कतली। ये क्या चल रहा है पार्टनर? क्या हुआ? इंसान की तरह बात नहीं कर सकता? ये क्या भूतों की तरह पीछे से आके करता है? आपको कैसे पता कि भूत करते हैं? मूवीज नहीं देखता क्या? उसमें कैसे भूत पीछे से आते और फिर क्या हुआ? बच्चा हूं मैं, डर लगता है मुझे भूतों की मूवी से। खुद से डर लगता है तुझे? मैं भूत लगता हूँ आपको? ऑफ कोर्स, हरकतें ऐसी करता है तू। मेरा तो ठीक है। ये इसका क्या सीन है? मलिष्का वापिस आ गई है मामा। क्यों? व्हाई? उसने तो कहा कि उस विराज सिंघानिया को ट्रेडिशनल दिवाली देखनी है, इसलिए यहाँ लेकर आई है उसे। लेकिन मुझे लगता है उसका कोई प्लान है, शक है मुझे उस पर। मुझे लगता है ना मलिष्का जानबूझकर ऋषि को देखकर अनदेखा कर रही है। आई नो, तो इग्नोर कर रही है। वो चाहती है ऋषि का 100% ध्यान अपनी तरफ खींचने। इग्नोर करके पैचअप करने आई है? रिवर्स साइकोलॉजी। अब समझा, रिवर्स साइकोलॉजी। लक्ष्मी, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगा। फिराज, ऐसे फ्लोट मत करो इसके साथ, न्यूली मैरिड है ये, वरना ऋषि बुरा मान जाएगा। पत्नी है ना इसकी? ओ प्लीज, तू कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था ऋषि, मैं जनरली बोल रहा था। इट्स ओके विराज, मलिष्का तुम ये सब बोल के सबको अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हो? कम ऑन ऋषि, तुम ही तो हमेशा बोलते रहते हो ना कि तुम मैरिड हो और ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी वाइफ है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम रियली सॉरी लक्ष्मी, बट ये ऐसा हमेशा करता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। बट ऋषि जानते हैं बहुत अच्छे से। लक्ष्मी, मलिष्का मुझे बता रही थी कि तुम गांव से हो, तो कुछ बताओ ना मुझे गांव के बारे में। What? मुझे सुनना है। You know what? मेरी नानी का घर भी गांव में था और मैं हर साल जाता था वहां पर। तो कुछ बताओ ना मुझे गांव के बारे में, वहां तो खेती खेत होंगे। हाँ, खेतों के बिना तो गांव की कोई पहचान ही नहीं होती, और हमारे गांव में तो इतने खेत। लक्ष्मी, आई यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। ठीक हूँ, ठीक हूँ। कमाल है, she was fine। अभी एक दो दिन पहले इसकी तबीयत ठीक हुई है, और अभी आज बेटर फील कर रही थी तो दिवाली की तैयारियों में लग गई। तो फिर कैसे सही होगी? नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। सच में ठीक हो तुम? तो फिर अभी चक्कर क्यों आया? हाँ, क्यों चक्कर आया? Excuses guys, मैं लक्ष्मी को बेडरूम में ले जाता। नहीं नहीं ऋषि, सब लोग हैं यहाँ पे, मैं ऊपर, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी। चलो आ जाओ, वहां पे बैठते हैं, कम चलो आ जाओ। तुम क्या देख रहे हो? बड़ा नाइस कपल यार, इतना अच्छे से भी नहीं जानता था मैं ऋषि को, पर कितना अच्छा पति है ये। इज अ गुड हस्बैंड। श्योर, राइट। हो गया क्या? मलिष्का के यहां होने से ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखा, लक्ष्मी के साथ ऋषि वैसा ही जैसे पहले था। लक्ष्मी को थोड़ा सा चक्कर आ गया, ऋषि तुरंत उसे लेकर चला गया। I know. अब हम रिलैक्स कर सकते हैं ना। ये बढ़िया हो गया, क्योंकि हो गया है ऋषि को तो प्यार सजना,
लाख कर ले वो इनकार। रुला मत बेसुरे। मैंने अगर ट्रेनिंग ली होती ना तो पता कितना बड़ा सिंगर होता मैं, करोड़ों फैंस होते मेरे, स्टेज पे जाता ऐसे माइक लेके बोलता। यार बेटा जूस पीते हुए भी नैपी पहना कर, नैपी गाएगा। डायपर पहनने की उम्र हो गई खुद की, मुझे नैपी का बता रहे, सपना टूट गया यार। सो किचन में रख देता हूँ।